नमस्कार, आप देख रहे हैं, मैं हूं संतोष पांडे। लगातार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर के हम लोग आपको न्यूज दिखा रहे हैं। आपने देखा कि दो दिन पहले हाईकोर्ट में एक याचिका दायर थी जिस पर फैसला आता है, चुनाव आयोग और सरकार को तलब किया जाता है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील, और जिन्होंने दिलीप राय की याचिका को पहले देखा भी, एपी सिंह सर, इसका क्या मसला निकल पाएगा जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में हुआ है? देखिए, जो उत्तर प्रदेश में हो रहे पंचायत चुनाव के दूसरे चरण की बात भी करेगा तो भी सच्चाई ये है, जो कभी नहीं हुई, ऐसा कभी नहीं हुआ, इलेक्शन कमीशन के द्वारा नहीं हुआ, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा नहीं हुआ, जो इस बार हो रहा है कि पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में भी ग्राम पंचायत सदस्य के, जैसे एक आंकड़ा दे रहा हूं मैं, 1,87,781 कुल पद थे, उनमें से सिर्फ 69,314 पदों पर ही नामांकन दाखिल हो सके, शेष 18,467 पदों पर ग्रामीण जनप्रतिनिधियों ने ग्राम पंचायत सदस्य बनने के लिए दिलचस्पी नहीं दिखाई, नॉमिनेशन नहीं हुए। एक सीट ऐसी है जिसमें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित थी ग्राम प्रधान की, और उस पूरे गांव में अनुसूचित जनजाति का एक भी सदस्य नहीं था, कोई एक बच्चा भी, नाबालिग बच्चा भी नहीं था, जो वोटर भी नहीं, ऐसा बच्चा भी नहीं था। तो ऐसे में लोग फोर्ज्ड बनवाने लगे अनुसूचित जनजाति के सर्टिफिकेट, वो पकड़े गए और उनके खिलाफ पुलिस ने एक्शन लिया और वहां नॉमिनेशन नहीं हो पाया, आप समझिए। अब चुनाव आयोग के बाद राज्य निर्वाचन आयोग को इन 18,467 पदों पर उपचुनाव करवाने होंगे। इनमें से कई ऐसी पंचायतें हैं जिनमें अधिकांश वार्ड में ग्राम पंचायत सदस्य को पदों पर नामांकन नहीं हुए, वहां ग्राम पंचायत का गठन तब तक नहीं हो सकेगा जब तक 2/3 ग्राम पंचायत सदस्य चुनकर नहीं आते, यानी ऐसी ग्राम पंचायतों में ग्राम प्रधान चुने जाने के बावजूद पंचायत का गठन होने तक ग्राम प्रधान नहीं बन सकेगा। अब आप समझ सकते हैं कि जो दूसरे चरण की बात मैं बता रहा हूं आंकड़े, कि 20 जिलों में ग्राम प्रधान, ग्राम क्षेत्र और जिला पंचायत सदस्य के चारों पदों के लिए 2,33,616 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए, इनमें से 787 जिला पंचायत सदस्य के पदों के लिए कुल 8,024 नामांकन दाखिल किए, जबकि क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए 1,19,653 पदों के लिए 56,874 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किए। और यहाँ तक की बात करें, ये जनपद है, अमरोहा है, आजमगढ़, इटावा, एटा, कन्नौज, गोंडा, गौतम बुद्ध नगर, चित्रकूट, प्रतापगढ़, बदायूं, बागपत, बिजनौर, ये सब जनपद हैं, लखीमपुर खीरी, ललितपुर, वाराणसी, इन जिलों में आगामी 19 को मतदान होना है। दूसरे चरण में दाखिल हुए नामांकन पत्रों की भी जांच 9-10 अप्रैल को, आज ये कंप्लीट हो गया काम, अब वहां खाली रह गया है। अब ऐसे में जब अभी से ही चुनाव के समय खाली रह जाए, उपचुनाव वहां कराया जाता है कि जहां चुनाव के समय कोई किसी की मृत्यु हो जाती है, प्रत्याशी है, प्रत्याशी के साथ दुर्घटना हो जाती है, कोई ऐसी आपदा आ जाती है, यहां तो नामांकन ही नहीं हो पाया, वो सीट ही खाली पड़ी है। जो खाली पड़ी तो आगे का सिस्टम क्या होगा? हमारा लोकतांत्रिक सिस्टम, पंचायत राज सबसे बड़ा है, महात्मा गांधी फादर ऑफ नेशन ने सदैव पंचायत राज को महत्वपूर्ण स्थान दिया, माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी को भी पंचायत राज को महत्वपूर्ण देना चाहिए। हमें हुए ही नहीं, वोट पड़ेंगे ही नहीं, नॉमिनेशन हुए नहीं, तो इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ हुआ कि जो 1995 को लेके बेस बनाया गया था वो सही था, और 2015 के बेस में जो कमियां थी, क्योंकि आपत्तियां डबल हो गई। जब आपत्तियां डबल हो गई, कई गांव ऐसे बदल दिए गए, कानपुर जनपद के 25 सीटों को ऐसे किया जिन पर आपत्तियां थी ही नहीं, कोई आपत्ति नहीं थी, आपत्तियां ना होने के बावजूद भी बदल दिया गया। उनमें कानपुर के ऐसे 25 क्षेत्र है, ग्राम प्रधान है। तो इस तरह से जो ये चीजें रही हैं वो उत्तर प्रदेश के विकास में बाधा का काम करेंगी, लोगों में असमंजस। आजकल सोशल मीडिया का टाइम है, आजकल लोग बातें करते हैं, शेयर करते हैं, जानते हैं, पहले भी इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से बातें पहुंचती थी, अब ये इस तरह से हो गया है कि क्या किया जाए, किस तरह से हो। अब अभी चुनाव शुरू हो पाए हैं और उपचुनाव की बात होने लगी है, तो पहला चुनाव जब हो रहा है सही, तो व्यवस्थित होना चाहिए, पूरे तरीके से होना चाहिए, पूरे सिस्टम से होना चाहिए, और ये चीजें होती। कभी ऐसा हुआ देखा गया कि सभी नॉमिनेशन, चलिए एक जैसी कमी रह गई, सभी नॉमिनेशन रद्द हो गए, वो स्थिति अलग थी,
लेकिन यहाँ तो नॉमिनेशन ही नहीं हुए। आप उस सीट के लोग क्या कहेंगे जो अनुसूचित जनजाति सीट रिजर्व है? क्या खाका अपनाया इन्होंने, क्या रोटेशन अपनाया, क्या इन्होंने रोटेशन चक्रानुक्रम जो किया गया, क्या चक्रानुक्रम को सही माना? नहीं। क्या 1995 को बेस माना? नहीं। क्या 2015 को बेस माना? नहीं। एक सीट लगातार जनरल रह रही है, एक सीट लगातार अनुसूचित जाति की चल रही है, एक सीट लगातार आजादी के बाद अनुसूचित जनजाति चल रही है। वहां महिला के अधिकारों का क्या हुआ, वहां जनरल महिला के अधिकारों का क्या हुआ, अनुसूचित जाति की महिला, अनुसूचित जनजाति की महिला, जनरल की महिला, इनके अधिकारों का क्या होगा? कोई महिला ही रिजर्व चल रही है, वहां पुरुष के अधिकारों का क्या होगा? मैंने माना कि इस देश में पुरुष आयोग, पुरुष हेल्पलाइन, पुरुष मंत्रालय पुरुष के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा इलेक्शन कमीशन, हमारा चुनाव, हमारी निर्वाचन पद्धति, हमारी लोकतांत्रिक पद्धति, हमारा पंचायत राज तो कहता है सभी की बराबर की भागीदारी होनी चाहिए, सभी की बराबर हिस्सेदारी होनी चाहिए। बिना बराबर की सबकी हिस्सेदारी के देश असंतुलित हो जाएगा। एक बड़ा सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से चुनाव हो रहा है, जो हमारे पास लगातार फोन आ रहे हैं आपका पहला इंटरव्यू देखने के बाद, उनका बस एक ही सवाल यह है कि क्या अगर चुनाव हो गया, जो खर्चा हो रहा है, सरकार सारा मशीनरी लगा के अपना उपयोग कर रही है, इसके बाद के चुनाव रद्द होने की संभावना है? जैसा आपने पहले दिन बताया अभी तक चुनाव, ये अभी भी याचिकाएं लोग नहीं लगा पा रहे हैं, कुछ लगा पा रहे हैं, कुछ कारण ये है कि अपना जातिगत समीकरण देख रहे हैं कि गांव में लोग जान जाएंगे मैं इस जाति का हूं, यहाँ याचिका लगाऊंगा तो दूसरी जाति के लिए आरक्षित हुई है तो दूसरी जाति वाले नाराज हो जाएंगे, हमारे वोट बैंक खराब हो जाएगी, उस पर इफेक्ट करेगा, ये लोगों में डर है। लेकिन क्या वो इस तरह से अनियमितता पूर्ण बिना डीपीआरओ के यहाँ दाखिल आपत्तियों का निपटारा किए बिना क्या चुनाव गया प्रदान वैध है? क्या वैधता की कसौटी पर खरा उतरेगा? क्वेश्चन ऑफ लॉ है ये, क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑनरेबल हाई कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को डिसाइड करना पड़ेगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय और माननीय हाई कोर्ट इलाहाबाद ये डिसाइड करने के लिए बने कि क्या ऐसी विपरीत परिस्थितियों में जब डीपीआरओ के दाखिल आपत्तियों का निपटारा नहीं हुआ, बैठाल के सामने आंकड़ों के आधार पर आपत्तियां दी गई, आपत्ति कोई घर से नहीं बनी हुई है, आपत्ति प्रत्येक पक्ष ने आंकड़ों के आधार पर दी है, जातिगत आंकड़ों के आधार पर दी है, जो रोटेशन चार्ट है उसके आधार पर दी गई है, जो पिछले आजादी के 72वां गणतंत्र हम इस बार 26 जनवरी को हमने मनाया तो 72 साल का पूरा सिस्टम दिया गया है। अब एक अंतिम सवाल आपसे है दर्शकों के लिए, हमारे पास लगातार फोन आ रहे हैं, आपको मैंने बताया भी, उनका यही सवाल है कि जो एक 3 हफ्ते का समय दिया गया है चुनाव आयोग सरकार को, इस 3 हफ्ते के समय का क्या अर्थ निकालना चाहिए, समझ में आना चाहिए जनरल तरीके से? देखिए, जब कोई याचिका किसी माननीय उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय में फाइल होती है तो अटॉर्नी जनरल राज्य सरकार के वकील या केंद्र सरकार के वकील होते हैं, उसमें इलेक्शन कमीशन भी शामिल है, राज्य सरकार के वकील भी होते हैं, उनको इस बाबत टाइम दिया गया कि आप याचिकाकर्ता ने याचिका लगाई है, अब इस याचिका पर आप क्या जवाब दे रहे हैं? उनको जवाब देना है, उनको आंकड़े पेश करने हैं, उनको तथ्य पेश करने हैं, और निश्चित तौर पर उनके पास ऐसे कोई आंकड़े नहीं है। निश्चित तौर पर मैंने जो आपको प्रारंभ में आपके चर्चा में जो आंकड़े दिए हैं ये बिल्कुल सत्य आंकड़े हैं, ये बिल्कुल सत्य बात है कि एक सीट अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व की गई और वहां कोई भी नामांकन नहीं हुआ, टाइम निकल गया, वो खाली पड़ी हुई प्रधानी की, लोग चिंतित हैं, लोग फोन कर रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं, क्या होगा? भीख निडर और मजबूत और योग्य और विद्वान अधिकारी शत्रु जैसे लोगों को हटाना पड़ा, हटाया गया, ये सब भ्रांतियां रही हैं, वो चीजें गलत हैं और नहीं होनी चाहिए, निष्पक्षता के पूर्वक चुनाव होना चाहिए। ये बहुत छोटा चुनाव है, उत्तर प्रदेश सरकार के लिए बहुत छोटा चुनाव है, लेकिन ये बहुत मजबूत चुनाव है, ये चुनाव की शुरुआत है, वहां से चुने हुए प्रतिनिधि देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा राज्यसभा और विधानसभाओं में पहुंचते हैं, अपने प्रदेश की विधानसभाओं में पहुंचते हैं, ये बहुत छोटा लेकिन बहुत मजबूत और बहुत शुरुआती चुनाव है। अगर यहां से निष्पक्षता नहीं हुई, अगर यहां से कानून के सम्मत नहीं हुआ तो लोगों का विश्वास टूटेगा। सर, एक लाइन में कंक्लूजन अगर जैसे लोगों को देना हो कि अभी जो चुनाव चल रहा है उसका फाइनल अभी क्या दिख पा रहा है कि चुनाव हो जाएगा या रुकेगा, या उनके लिए जो बातें हो रही हैं, हम लोग जैसे आपने बात की थी पहले दिन भी बात की थी कि चैलेंज किया जा रहा है, एक लाइन में जो साधारण जो क्योंकि ग्राम पंचायत सदस्य जो है वो ग्रामीण इलाकों से आते हैं तो समझ नहीं पाते कई बार, उनको एक लाइन में क्या बताया सकता है सर? एक लाइन में यही है
इंतजार करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, जैसी जैसी व्यवस्थाएं आगे आएंगी वैसी वैसी आपको तैयारी रखनी पड़ेगी। अगर विसंगतियां दूर नहीं होती हैं तो आपको याचिकाकर्ता बन के फिर माननीय सर्वोच्च न्यायालय और इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा, आपको परेशान भी होना पड़ेगा, लेकिन लोकतांत्रिक मूल्यों की, अपने अधिकारों की रक्षा के लिए आप गिने जाएंगे, इतिहास में माने जाएंगे कि आपने अपने लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए संघर्ष किया। वो संघर्ष चाहे माननीय उच्च न्यायालय तक हो या सर्वोच्च न्यायालय तक हो, जहां। सर आपने समय दिया हमारे दर्शकों के लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हम प्रयास करेंगे फिर बीच में कभी आपका फिर समय लेंगे, क्योंकि लगातार दर्शकों की मांग थी कि सर का एक इंटरव्यू और किया जाए, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।